हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुप्रयास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा जा रहा है आपका आज का दिन? और आज का ब्लॉग जो है वो मैं 12:30 बजे स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी और वो बना रही हैं मम्मी। लंच के मेन्यू में कढ़ी चावल बनने वाला है और आज थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है क्योंकि कोल्ड का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर स्लीव्स डाली हुई है, थोड़ा मोटा सूट पहना हुआ मैंने और कफ के कारण मेरे पूरा आईज़ में और इधर सब पेन हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल कढ़ी चावल बनाते हैं और देन मैं आपसे बात करती हूँ। मम्मी के हाथ की कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अभी हमने लिए है अमूल की लस्सी, छाछ बोल सकते हैं आप उसे, एक पैकेट, और उसमें हमने दही डाली है यानी कि योगर्ट डाला है। दो स्कूप, दो जो बाउल आते हैं वो डाले हैं, तो दो बाउल ये लेकर इसे अच्छे से हमने झग लिया है। आप इसे विस्क बोल सकते हैं, हम इसे झगना बोलते हैं। तो इसे अच्छे से झग लिया है और उसके बाद हमने इसमें हल्का सा पानी डाला है लस्सी, मतलब दही की लस्सी बनाने के लिए, और इसमें हमने बेसन डाला है 3 टेबल स्पून। तो इसे अच्छे से हम झग लेंगे ताकि उस पर गाँठे ना रहें। आप अच्छे से विस्क कर लीजिए और साइड बाय साइड इधर पकोड़ों के लिए हमने घोल बना के रखा हुआ है। आप चाहे तो आलू और प्याज के पकोड़े भी बना सकते हैं, हमने यहाँ पर प्लेन पकोड़े बनाए हैं। जस्ट इसमें नमक, मिर्च, काली मिर्च डाली है और हल्की सी हल्दी डाली है। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। हमने प्लेन पकोड़े बनाए हैं जिसे आप गुलगुले बोल सकते हैं, नमकीन गुलगुले। तो इसे मैं अब एक जो है नैपकिन की हेल्प से पूरा ऑयल जो है वो सॉक कर लूँगी, नैपकिन के ऊपर निकाल लूँगी और साइड बाय साइड, अभी दोपहर का 1 बज रहा है तो हमें लगा कि लेट ना हो जाए इसलिए हम 2 कढ़ाई चढ़ा रहे हैं। अब इधर जो है पकोड़े बन गए हैं और दूसरी साइड प्याज डाल दिए हैं भूनने के लिए। हल्की सी अदरक भी ऐड करेंगे और हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे। तो इधर जितनी देर प्याज भून रहे हैं उतनी देर इधर पकोड़े बन रहे हैं। तो फटाफट से पकोड़े बनाकर प्याज जो है वो भी हो जाएंगे। मम्मी को ज़्यादा देर मैं खड़े नहीं होने देती क्योंकि उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा देर मसाला वगैरह नहीं भून सकते हैं, वो जस्ट डालकर चले जाते हैं और दूसरी साइड पर मैं हिलाती रहती हूँ। तो क्वांटिटी और जितना भी चीज़ें कैसे कैसे डालनी है वो मम्मी को पता होती है, मैं सिर्फ ऊपर का काम कर देती हूँ। जैसे हिलाने का काम हो गया या जस्ट डाल के चले जाते हैं तो अच्छे से भून लिया, तो ये काम मैं करती हूँ। तो अभी इधर पकोड़े जो है वो बन चुके हैं और 2-3 पकोड़े और बनाएंगे और साइड बाय साइड उधर प्याज भी भून चुके हैं, उसमें हमने नमक, मिर्ची और हल्दी ऐड की है। अब इधर अदरक हम बारीक बारीक लंबी लंबी कट कर लेंगे और इसे भी अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और इसे भी थोड़ा सा भून लूंगी और जिसमें थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसका भी 1-2 पकोड़े में बनाकर इसे निकाल दूंगी और बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा इसे मैं लस्सी में झक दूंगी। वेस्टेज नहीं करनी चाहिए ना, जितना बचे उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे लस्सी में कर दूँगी और इधर प्याज भी भून चुके हैं। अब इसमें हम जो लस्सी और बेसन का घोल है वो भी इसमें मिक्स कर दूंगी मैं। अब कढ़ाई में हम इसे डाल देंगे। नमक आप चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अगर पहले भी ऐड किया है तो आपको बारी बारी इसे हिलाना पड़ेगा नहीं तो कढ़ी फट जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने कढ़ी उसमें डाल दी है, आप देख सकते हैं अभी धीरे धीरे हल्दी का कलर आएगा जब 1-2 बॉयल आएंगे। अभी इसमें हमने नमक पहले ऐड कर दिया था, आप चाहे तो नमक बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अभी 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप कढ़ी का कलर देख सकते हैं, उसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ही यम्मी लग रही है। इसमें प्याज है, आप चाहे तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी पकोड़े जो है वो मम्मी तोड़ कर डाल देंगी इसमें से, एक इस तरीके से हमें तोड़ कर इसमें ऐड करने हैं। कुछ ज़्यादा नहीं डालना है, ना कोई गर्म मसाला, ना कुछ, जस्ट नमक, मिर्च और हल्दी और हरा धनिया, बस और कुछ नहीं आपको डालना है।
अब इसे एक दो बॉयल और दिलवा कर हम गैस को जो है बंद कर देंगे और ये हो गई हमारी यम्मी कढ़ी तैयार। सो गाइस आफ्टर लंच हम लोग जो है सो गए थे। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो मैं 2-3 घंटा सो गई थी दवाई लेकर। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे वॉक के लिए। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो अभी नीचे जाते हैं, देन मैं आपसे बात करती हूँ। अभी पार्क से आने के बाद हमने बनाया है भरथा। अगर आपको भरथे की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी। इसमें हमने हल्के से मटर ऐड किए हैं और इधर बन रहा है खट्टा मीठा पेठा, जिसे आप पम्पकिन भी बोल सकते हैं, और ये लंगर स्टाइल में हम लोगों ने बनाया है, तो बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका तड़का तैयार हो रहा है और इधर इसे मैश करके रख दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि मंडे, और आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया है 12 बजे। कल हम सैर करने के बाद घर आके खाना बनाया और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे थे और फिर सो गए, और कल फ्लाइट की टिकट्स बुक कराई हैं। इस सैटरडे हम लोग जो है जा रहे हैं घर, मुझे मम्मी को छोड़ने जाना है। और बाहर देखिए बारिश, वाओ कितनी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे। जब से हम लोग आए हैं तब से बारिश हुई जा रही है, सिर्फ एक कल का दिन बारिश नहीं हुई, ये तो कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर बारिश हो रही है। और बहुत ही अच्छा वेदर है और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स को तो मैं भी वहाँ पर मिस कर ही रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम था हम कभी भी कैसे भी इकट्ठे होकर लंच या शाम की चाय पी लेते थे, लेकिन अब शायद वो पॉसिबल थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। जब हम एक साथ एक ही बिल्डिंग में होते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी भी उठ के चले जाए यहाँ से आपको सोचना पड़ता है जाने के लिए, तो थोड़ा सा वो लग रहा है। अभी तो मम्मी है इसलिए मुझे थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मम्मी चले जाएंगे फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा फील होगा। तो अभी क्लीनिंग जो है वो कम्प्लीट हुई है, मम्मी और मैंने मिल के क्लीनिंग की है, तो अभी बेडशीट एक रूम की बाकी है वो बिछाती हूँ, देन आपसे बात करती हूँ। जस्ट अभी अभी मैंने बनाया है वेज दलिया, क्योंकि आज मम्मी का मूड नहीं था खाना खाने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सब्जियों वाला दलिया ही बना दिया जाए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको एक क्विक रेसिपी बताऊंगी। अगर आपका मन ना करे कभी खाने का तो आप इसे बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं। तो अभी हम खाने वाले हैं ये दलिया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और बहुत ही क्विक। तो दलिया इन्जॉय करके मैं आपसे बात करती हूँ। सो गाइज अभी लंच के बाद मैंने अभी अभी एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर किया है, जिसे मैं पिछले 15 दिन से इस्तेमाल कर रही थी, और ये प्रोडक्ट मुझे भेजा था सैंड बोटानिकल ने। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, सैंड बोटानिकल का एक प्रोडक्ट रिव्यू मैं पहले भी कर चुकी हूँ, वो है
शैम्पू सेंट बोटानिकल का आर्गन शैम्पू जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है और अभी भी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा शैम्पू है, उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात मुझे सेंट बोटानिकल के प्रोडक्ट्स की लगती है कि ये पैराबिन फ्री हैं और इनमें सल्फेट नहीं होता है। तो अभी मैंने वो वीडियो शूट किया है, मैं पिछले 15 दिन से इस्तेमाल कर रही थी। तो वो है ये इनका एलोवेरा जेल, जिसके अंदर आपको स्वीट आलमंड भी मिल जाते हैं और सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब आपको इस प्रोडक्ट में मिल जाते हैं, जो आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये प्रोडक्ट है बहुत ही क्लासी, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसका रिव्यू ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अभी बस यही किया था और अभी मैं एक अपना हॉल वीडियो भी शूट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि लाइफस्टाइल से मैंने क्या क्या चीज़ें ऑनलाइन मंगाई है और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जब मैं शिफ्टिंग कर रही थी तो मैं उसके पूरा प्रॉपर जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी या फिर अपने दूसरे चैनल पर शेयर करूँगी। तो आप उसे भी ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा, यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर, नहीं तो वहाँ पर। तो अभी इसका रिव्यू देखिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और 4:30 बज चुके हैं। मुझे चाय भी बनानी है और अब मुझे पैकिंग भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि मुझे घर जाना है। तो वो सब चीज़ अभी देखनी है और उससे पहले पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें शेड्यूल भी करनी है, 2-3 वीडियोज़ अपने दूसरे चैनल के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। आज मैंने बहुत ही मिनिमल सा मेकअप किया, मैंने अपने फेस के ऊपर कुछ नहीं लगाया है, जस्ट एक आईलाइनर लगाया है और लिप बाम लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि मेरा मन नहीं था, सीधी सीधी बात ये है। तो ये किया है और आज मुझे पता नहीं क्यों अपने बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, शायद इस वजह से क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट अपने बालों में आज अप्लाई किया था। तो बहुत ही सिल्की, बहुत स्मूथ बाल हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और बाल भी थोड़े से फ्लफ़ी हो रहे हैं। फ्लफ़ी तो इस शैम्पू की वजह से भी हो रहे हैं, इसका शैम्पू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब चीज़ें थी, एक छोटा सा अपडेट था। और सूट पहना है आज मैंने, दिखा देती हूँ, किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से वीडियो शूट करती हूँ। तो ये मेरा जयपुरी सूट है, भाभी लेकर आई थी मेरी शादी से पहले, लेकिन पहनने का मौका नहीं लगता है, आज पहना है। टिपिकल बहू रानी बन के बिंदी लगाना बस भूल गई, मांग मांग कम भरती हूँ मैं। तो ये सब था और ये सूट है मेरा, आप देख सकते हैं, दुपट्टा, जयपुरी दुपट्टा। और ये मेरी लुक, सिंपल सोबर सी लुक। और किसी दिन बहुत जल्दी वापस आने के बाद मैं आप लोगों को अपना हाउस टूर करवाऊंगी, किचन टूर करवाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कैसे डेकोरेट किया हुआ है, नहीं तो एक बहुत ही अच्छा सा टूर हम बाद में करेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक देना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।